घंटों मोबाइल से चिपके रहते हैं आपके बच्चे तो बहुत काम की है ये खबर। अब बिना समझाए मोबाइल से तौबा कर लेंगे आपके बच्चे। बच्चों में मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए अपना यूपी की इस टीचर का तरीका। चुटकियों में मोबाइल से दूर भागेंगे बच्चे। आज के दौर में मोबाइल लोगों के जीवन का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। अगर थोड़ी देर के लिए भी मोबाइल पास ना हो तो ऐसा लगता है मानो जिंदगी रुक सी गई हो। लोग कुछ भी कर रहे हैं लेकिन उनके हाथ में मोबाइल जरूर रहता है। यहाँ तक कि अब तो बच्चे भी एक मिनट के लिए मोबाइल से दूर नहीं रहते। इतना ही नहीं, एक दो साल के बच्चे भी अब मोबाइल के लिए जिद करने लगे हैं। ऐसे में बच्चों को मोबाइल से दूर रखना माता पिता के लिए थोड़ा मुश्किल सा हो गया है। तो अगर आपके बच्चे भी घंटों मोबाइल से चिपके रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले। सोशल मीडिया पर आए दिन लोग किसी न किसी तरह से मोबाइल की लत छुड़ाने के तरीके बताते रहते हैं। ऐसे एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें टीचर ने बच्चों को मोबाइल से दूर रखने का एक ऐसा तरीका अपनाया है कि बच्चे मोबाइल देखकर भी डर जाएंगे। वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश की बदायूं के एक स्कूल का है जहां के टीचर ने बच्चों को जागरूक करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। वीडियो में दिखाया गया है कि स्कूल में बच्चों के सामने टीचर ने मिलकर एक नाटक किया है ताकि बच्चे फोन से दूर रहे। वीडियो में दिखाया गया है कि स्कूल में बच्चों के सामने टीचर ने मिलकर एक नाटक किया है ताकि बच्चे फोन से दूर रहे। वीडियो में अब आप देख सकते हैं कि एक टीचर अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर आती है और रोते हुए बताती है कि पिछले कई दिनों में उन्होंने कई बार फोन देखा है जिससे उनकी आंखों से खून निकल रहा है। ये सुनते ही बच्चे सहम जाते हैं और टीचर को देखने लगते हैं। इसके बाद जब टीचर बच्चों को फोन देखने के लिए कहती है तो बच्चे डर से मना कर देते हैं। जब टीचर पूछती है कि क्या अब आप फोन का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे मना कर देते हैं। इस वीडियो को एक्स पर विकास मोहता INDE के नाम से यूजर ने शेयर किया है। वीडियो को अब तक लगभग 9 लाख बार देखा जा चुका है। वीडियो पर ढेरों यूजर्स कमेंट भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि टीचर की ये कोशिश वाकई सराहनीय है लेकिन ये तरीका सिर्फ छोटे बच्चों के साथ ही अपनाया जा सकता है। दोस्तों, बच्चों को मोबाइल से दूर रखना वाकई जरूरी है लेकिन उन्हें इस तरह डराना सही समाधान नहीं माना जा सकता। वीडियो में टीचर की आंखों में आंसू निकलता देख कई बच्चे सदमे में हैं। इसका उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। बेशक स्कूल टीचर्स की मंशा काफी अच्छी थी लेकिन इसके लिए और भी तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर विषय है जिसके बारे में बात करने भी जरूरी है और इसका समाधान निकालना भी जरूरी है। मोबाइल की लत ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी बहुत ही घातक साबित हो सकती है। कई तरीके की बीमारियां भी इसी के कारण होती है। आपकी इस विषय में क्या राय है हमें जरूर कॉमेंट करके बताएं और इस वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए।